कृपया ध्यान दें, देवीय सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, कृपया अपने स्थान पर बने रहें और इस व्लॉग को अंत तक देखें। कुर्सी की पेटी बांध लें, कृपया अपने बाकी कामों को बंद करें क्योंकि वो हमारी मेहनत बेकार कर सकते हैं। याद रहे कि अब इस विमान में शौचालय का उपयोग करना मना है। हमारे कप्तान श्री निखिल पितले आज विमान उड़ाएंगे अहमदाबाद टू जयपुर, 1 घंटा 35 मिनट। धन्यवाद। हे गाइस, दिस इज निखिल पितले, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ पार्ट वन ऑफ जयपुर आगरा व्लॉग सीरीज, जिसमें हमने देखा आगरा फोर्ट के अंदर जो मीना बाज़ार है और दीवाने खास, उसके बाद डोली महल, औरंगज़ेब और मुमताज़ की प्रेम कहानी के बारे में मैंने आपको बताया, और ताजमहल का जन्म कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बताया, दीवाने आम के बारे में, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जो कारनामा था, जो कहानी थी वो मैंने आपको सुनाई। यहीं से 3 किलोमीटर दूर आता है ताजमहल, हम लोग इसके बाद वहाँ पर गए। ताजमहल के बिल्कुल एंट्रेंस में ही काफ़ी बोर्ड्स लगे हैं, पुरानी फोटोज़ लगी है, राइट फ्रॉम 1862। ताजमहल पहले ऐसा नहीं दिखता था, इट वॉज़ नॉट एट ऑल वेल डेवलप्ड। जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ, उसके बाद रूलर था ब्रिटिश रूलर, उसने ताजमहल की गार्डनिंग की और इसको एक तरीके से अच्छे से डेकोरेट डिज़ाइन किया। ताजमहल के बाहर का जो एरिया है, यहाँ पे ताजमहल बनाने वाले लोग रहते थे, लेबर्स। एंट्रेंस में एक ऐसी जगह है, जितना आप नज़दीक जाओगे ताजमहल आपसे दूर जाता है, इट्स अ इल्यूजन, और जितना आप दूर आओगे ताजमहल आपके नज़दीक आता है, इट्स बिकॉज ऑफ द डोर। ताजमहल के बनने में 22,000 कारीगर और मजदूरों ने काम किया था। 1,000 हाथियों के ऊपर ये सारे पत्थर यहाँ पर लाए जाते थे। ये जो लाल पत्थर आप देख रहे हैं, इसे संगे सुर्ख कहा जाता है, और जो सफ़ेद पत्थर है वो संगे मरमर है, और जो ग्रेश पत्थर है वो सैंडस्टोन है, उसे संगे ग्वालियारी कहा जाता है। और हाँ, जो कहानी हम लोग कई सालों से सुनते हुए आ रहे कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया शाहजहां ने उन्हीं के हाथ काट दिए, ये कहानी सरासर झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, शाहजहां ने बस उनसे करार लिखवाया था कि अगर आप ऐसा दूसरा ताजमहल बनाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ काट लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ताजमहल 3 प्रकार के पत्थरों से बना है, प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉमन स्टोन्स। प्रेशियस स्टोन्स में आता है तिलाई, गोल्ड स्टोन, जहर, मोहरा, अजूबा, अबरी, खातू, नखोड़, मकनातीस यानी मैग्नेट स्टोन, जो वर्ल्ड में मिलना बहुत ही रेयर है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स में आते हैं अकीक, येमिनी, फिरोज़ा जिसे हम टर्कोइज कहते हैं, लजवाद, लपीजी, लजुली ये अफगानिस्तान का स्टोन है, मुंगा जिसे कोरल कहते हैं, सुलेमानी यानी ओनिक्स, और लसुनिया कैट्साई जो येलो कलर का होता है वो, यासीब यानी जेड, और पितूनिया ये ब्लड स्टोन होता है। और कॉमन स्टोन्स में संगे ग्वालियारी, संगे सुर्ख, संगे मूसा यानी ब्लैक स्टोन, और मकराना जो राजस्थान से मंगाया गया था। जेड स्टोन जो होता है वो कलर में ग्रीन होता है, उसे कहते हैं कशगर, वो चाइना से आया था। मैलशीट रशिया से आया था, वो भी ग्रीन। टर्कोइज टिबेट से आया था। येलो एम्बर जो होता है वो बर्मा से आया था, और रूबीज श्रीलंका से आए थे। कहते हैं कि मुमताज़ एक मूडी इंसान थी, इसलिए ताजमहल भी अपने रंग बदलता है। ये सुबह को गुलाबी, दिन में सफ़ेद, और रात होते होते गोल्डन दिखने लगता है। अभी शाम का समय है, इसलिए आप देख सकते हैं कैसे ये स्पार्कल हो रहा है गोल्डन इस समय। वैसे ताजमहल को आर्किटेक्चुरल जीनियस कहा जाता है क्योंकि ये नदी के किनारे बना है। यूजुअली नदी के किनारे इतने बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े नहीं करते क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से आपकी इमारत गिर सकती है। तो फिर ताजमहल इतने सालों से खड़ा कैसे है? इसका राज है, ताजमहल के नीचे अबनूस की लकड़ियों का फाउंडेशन है, इंग्लिश में इबनी वुड, जिसका सिद्धांत ये है कि जितना पानी ये सोखता है उतना ये पत्थर की तरह स्ट्रांग बन जाता है। है ना जीनियस? आई थिंक इट्स मार्वलस। देन वी मूव बैक टू उन्मेद भवन इन जयपुर। आई लव दिस होटल, आई होप यू गाइस लाइक इट टू। लाइफ इज हार्डर देन आई लाइक टू थिंक, बट इट्स इजी व्हेन यू बाय माय साइड। No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you. My whole life been searching.
जब आप एक ही दिन में आगरा फोर्ट और ताजमहल घूम लेते हैं ना, तब खाना खाने के बाद नींद नहीं आती, बेहोशी आ जाती है। इसलिए नेक्स्ट डे जैसे उठे, मी एंड मॉम वेंट फॉर द साइट सीइंग ऑफ दिस होटल। हाँ, क्योंकि ये होटल एक म्यूजियम की तरह है, ये किसी पैलेस से कम नहीं है, तो इसको भी घूमना पड़ा हमें सुबह उठने के बाद। पूरे जयपुर शहर में ऐसे मिट्टी जैसे ब्रिक का कलर है, कत्थे जैसा कलर है, इसीलिए पिंक सिटी कहा जाता है। एंड सेम गोज फॉर आमेर फोर्ट। एज़ यू कैन सी, आमेर फोर्ट पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो पहाड़ों के ऊपर से इन्होंने दीवार बनाई हुई है स्टार्ट से लेके एंड तक। कैन यू इमेजिन दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फोर्ट? नाइस। और नीचे जो गांव है, यहाँ के लोग राजस्थानी कपड़े बनाते हैं। मुझे आमेर फोर्ट और ताजमहल में कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आती, क्योंकि सेम किस्म का पत्थर यूज़ हुआ है, वाइट मार्बल यानी मकराना, जो यहाँ से आगरा एक्सपोर्ट हुआ था ताजमहल बनने के लिए। और सेम स्टाइल के मुगल गार्डन्स, और यहाँ पर शीश महल भी है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी राजा भी कुछ कम नहीं थे। सेम टर्कवाइज, सेम प्रेशियस जेम स्टोन्स, और असली सोना उन्होंने सीलिंग के अंदर यूज़ किया था, जो आज भी वहाँ पर है। महाराजा मान सिंह की 12 बीवियाँ थी, यानी 12 महारानियाँ थी, इसीलिए इस पैलेस के अंदर 12 बेडरूम्स है। आगरे के किले की तरह यहाँ पर भी अंडरग्राउंड सुरंग है, और जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी भी यहाँ पर एज अ डेकोरेशन रखी हुई है। और ये है पानी पीने का घड़ा, जो कम से कम 500-600 साल पुराना है। महाराजा मान सिंह के पुत्र महाराजा जय सिंह, ये वो शख्स है जो औरंगजेब के अंडर काम करते थे। पूरी राजपूताना फौज मुगलिया सल्तनत के अंडर काम करती थी उस समय। ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हीं के भरोसे आगरे इतनी दूर आए थे, और जब उनके साथ धोखा हुआ, तब राजा जय सिंह ने मर्द की तरह उनको वचन दिया कि मैं आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, और जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ वहाँ से रिहा नहीं हुए, तब तक राजा जय सिंह उनकी मदद करते रहे। तो राजपूत लोग जब अपनी जुबान देते थे, तो उसको एंड तक अपने वचन को फॉलो करते थे, वचनबद्ध होते थे।
ऑल्सो आई थिंक एयर इंडिया इज़ वेरी अंडररेटेड। ये आपको नाश्ता भी देती है, इसकी टिकट प्राइस भी फेयर होती है। भारत सरकार जबकि एयर इंडिया घाटे में चल रही है तब भी इसको बंद नहीं कर दे। सो आई थिंक आई वुड रिकमेंड महाराजा फ्लाइट फॉर एवरी वन। एट लीस्ट वेन एवर यू कैन यू शुड डू दिस स्मॉल जेस्चर्स टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। बाय द वे दोस्तों, आप सबसे एक चीज़ शेयर करनी थी कि आपने पार्ट वन ऑफ जयपुर आगरा व्लॉग को यूट्यूब पर नंबर वन बना दिया है मेरे चैनल के ऊपर। इट हैज़ गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज़ इन अ वीक ऑन माई चैनल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इट। आई रियली थिंक दैट माई हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ नाउ, क्योंकि आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और आपके साथ साथ मेरी भी ये जर्नी है, क्योंकि आई एम नॉट एडिटिंग एक्सपर्ट, तो मैं भी आपके साथ साथ ग्रो हो रहा हूँ, सीख रहा हूँ। स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग अगली ट्रिप जल्दी प्लान कर रहे हैं विद फैमिली ऑफ कोर्स। वी आर ट्राइंग टू डू अ जंगल सफारी दिस टाइम। सो आई वुड लाइक टू से स्टे ट्यून टू दिस चैनल बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग।